हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो राजस्थान में सीनियर लेवल की जो सीईटी एग्ज़ाम है जो आपके फरवरी में होने वाला है, उसके लिए जो गणित के टॉपिक्स दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक दिया है वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना, यानी कि किसी भी संख्या का वैदिक विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए चार पाँच विधियाँ हैं, हम सभी विधियों का अलग अलग जो विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहली विधि ली हमने सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो देखिए, इसका यूज कब करते हैं, जब कोई संख्या का इकाई अंक 5 हो। देखिए, जैसे 15 है, 35 है, 95 है, 205 है, 115 या और भी जो संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जब इकाई अंक 5 हो तब हम इस विधि का यूज करेंगे। तो देखिए, अब समझते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दे रखा है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, ये एक अधिक। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखिए इस तरफ जो 5 दे रखा है उसको तो हम यहाँ पर देखिए, पहले जो 1 दे रखा है इसको लिख लेंगे ऐसे कैसे, क्लियर। इसके बाद देखिए, जो इसका जो इसके बाद वाला जो अंक है इसका 1 अधिक लेंगे, यानी कि 1 का अधिक कितना आएगा, 2 आएगा, उसको इस 1 से गुणा कर देंगे, क्लियर। गुणा करने के बाद इस तरह से चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद देखिए, जो 5 दे रखा है उस 5 का हम वर्ग कर देंगे, यानी कि 5 को 5 से गुणा कर देंगे, क्लियर। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को एक बार उसी संख्या से गुणा करना। तो देखिए क्या किया हमने, जो इससे पहले वाला जो अंक दे रखा है उसका 1 अधिक लिया, यानी कि 1 दे रखा है तो इसका 1 अधिक कितना होगा, 2 होगा, और उन दोनों को गुणा कर देंगे और इस तरह स्लैश लगा कर जो 5 दे रखा है उसका वर्ग ऐसे कैसे करेंगे, यानी कि 5 को 5 से गुणा करेंगे बराबर में। देखो देखो, इस तरफ से करेंगे तो 5 का 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और इधर देखो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण है 35। तो इसमें भी देखो क्या करेंगे, इससे पहले वाला अंक कितना है, 3 है, 3 है, तो देखिए 3 का 1 अधिक लेंगे तो यहाँ पर देखिए हम पहले 3 को लिख देते हैं और इसका 1 अधिक कितना आएगा, 4, यानी कि 3 को 4 से गुणा करेंगे और ये स्लैश लगाकर जो 5 है उसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 5 को 5 से गुणा कर देंगे बराबर में। देखते हैं, देखिए इस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा और इधर 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 35 का वर्ग कितना आएगा, 1225 आएगा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखिए, हमें 95 का निकालना है वर्ग, तो क्या करेंगे, देखो 9 का 1 अधिक कितना आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पर हम 9 को 10 से गुणा करेंगे स्लैश लगाकर 5 का वर्ग, यानी कि 5 गुणा 5 बराबर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा और 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि 95 का वर्ग कितना आ गया, 9025, ये हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखिए, जैसे हमें 3 अंकों की संख्या है 205 का वर्ग ज्ञात करना है, तो देखिए इसका वर्ग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ तक तो एक एक अंक थे, लेकिन हमें जो इकाई अंक हैं उसके अलावा जितने अंक हैं उन सभी को मिलाकर उसका 1 अधिक लेना है। जैसे यहाँ पर हमने ये 5 लिया, इसके बाद देखिए ये 2 और 0, यानी कि इसको पूरा बोलेंगे 20, तो अब हम 20 का 1 अधिक लेंगे। यहाँ पर तो क्या था, एक एक ही अंक था, इस वजह से हमने इसी का 1 अधिक लिया। अब यहाँ पर 20 है तो 20 का 1 अधिक लेंगे, तो 1 अधिक कितना आएगा, 20 का 21 आएगा, तो 20 को हम 21 से गुणा कर देंगे और इधर देखो बाद में 5×5 लिख देंगे बराबर। देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आएगा, और देखो इधर देखो 20 को 21 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा, उसको आगे लिख देंगे। तो इस तरह से 205 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 42025 हमारा राइट आंसर आएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से आप जो कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 दे रखा है उसका जो है वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तो हमने एग्जाम्पल लिए थे, अब हम जो है इस विधि से जो भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे आपके ये टॉपिक से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से जिसमें इकाई अंक 5 होना चाहिए संख्या में वो आसानी से
क्लियर हो जाए। तो देखिए जैसे मान लो हम और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है 125, कितना है 125, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग ज्ञात करने के लिए, अब देखो ये पाँच है, पाँच के अलावा यहाँ पर कितना है 12 है, तो 12 का एक अधिक लेंगे यानी कि 12 को हम इसके एक अधिक यानी कि 13 से गुणा करेंगे और स्लेस ये 5 का वर्ग 5 × 5 ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर में। इसके बाद देखो यहाँ पर हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और देखिए 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 156, कितना आएगा 156। तो इस तरह से देखिए हमारा जो 125 का वर्ग है वो कितना हो जाएगा 15625, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। वैसे देखो एक उदाहरण और ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास है 115, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए 5 को छोड़कर इसके अलावा दो अंक यानी कि 11 दे रखा है, तो 11 का एक अधिक लेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पर 5 × 5 बराबर। देखिए 11 को 12 से गुणा करेंगे तो इसको गुणा किया तो 12 का 2 हासिल का 1 और 12 × 1 = 13 यानी कि 132 आएगा, और इधर ही 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा यानी कि 115 का जो वर्ग है वो कितना आएगा 13225 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से मतलब कोई भी संख्या है जिसका वर्ग जिसका जो इकाई अंक है वो 5 दे रखा है तो उनका आप सूत्र एकाधिगण पूर्वगण की सहायता से जो है वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप करें और उसको करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें कि आप उसको सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आपको नहीं आता है समझ में, सही नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिए आपको करने हैं, एक तो आपको करना है 405 का वर्ग निकालना है, एक आपको करना है यहाँ पर देखिए आपको करना है 85 का वर्ग निकालना है, और एक आपको 625 का वर्ग निकालना है। ये तीन एग्जाम्पल्स आपको करने हैं और इनके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। तो डियर सेंस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम एक एक टॉपिक का जो सीईटी में जो दे रखे हैं सारे टॉपिक उन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए और विधियाँ हैं उसको हम सोल्व करवाएंगे वर्ग निकालने की। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।